नर्सरी क्लास, अब हम रीडिंग करेंगे बाग उर्दू की, जो कि हमारा तस्वीरी कायदा है। इसको ओपन करेंगे। इसका आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर है से। क्या है से? से स, ये से है जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और ये से की छोटी शक्ल है, से स। हम देखेंगे इस पिक्चर में क्या हो रहा है नर्सरी क्लास। यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत से फ्रूट्स रखे गए हैं, फल हैं जिनको समर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फल एक डिश में पड़े हों तो हम उसको कहेंगे समर। क्या कहेंगे? समर। यहाँ पर एक बच्चा है जिसने सुर्ख कलर की टी शर्ट पहनी है, सुर्ख रंग की, वो फल छेड़ रहा है, खा रहा है उठाकर। उसके साथ यहाँ पर इसकी अम्मी हैं जो कि फल काट रही हैं, उनके हाथ में चाकू है। यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, वो भी फल खा रही है। इसका क्या नाम है? सरवत। इस बच्ची का क्या नाम है? सरवत। यहाँ पर इनकी बहन खड़ी है बड़ी, वो क्या कर रही है? उसके हाथ में चाकू है, वो भी फल काटने वाली है। यहाँ पर एक और बच्ची है और इसने किस कलर की फ़्रॉक पहनी है? इसने हल्के से ग्रीन कलर की फ़्रॉक पहनी है। और यहाँ पर इस बच्ची का नाम क्या है? समरा। इस बच्ची का क्या नाम है? समरा। और इसका क्या नाम है? सरवत। और ये कौन है? समरा। यहाँ पर एक इसका भाई खड़ा है जो कि प्लेट में क्या खा रहा है? सेब। इसकी अम्मी ने इसको सेब काट के दिए हैं और वो सेब खा रहा है। यहाँ पर बहुत से फल पड़े हैं जिसमें केले हैं, माल्टे हैं, अंगूर, सेब, तरबूज और ये अनार भी है। यहाँ पर अनार को काट के भी रख दिया उन्होंने और एक पूरा भी अनार है। ये जो पूरा अनार है इसको क्या कहते हैं नर्सरी क्लास? साबुत। ये अनार साबुत है और ये अनार कटा हुआ है। ये साबुत अनार है, ये कटा हुआ अनार है। चलें, ये अनार है साबुत। ये सारे फल जो एक डिश में रखे गए हैं इनको क्या कहते हैं? समर। इस बच्ची का क्या नाम है? समरा। और इसका क्या नाम है? सरवत। चलें अब नर्सरी क्लास सब मेरे साथ पढ़ें। से स सरवत, से स साबुत, से स समर, से स समरा, से स सरवत, से स साबुत, से स समर, से स समरा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। से स सरवत, से स साबुत, से स समर, से स समरा।